तो आज की वीडियो में बात करेंगे सर्कल चैप्टर की। काफी टाइम से हम जोसा के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, बट अब एकेडमिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जोसा की तरफ, और कॉलेज का स्टफ भी इस चैनल पे डलता रहेगा और साथ ही साथ पढ़ाई की वीडियोस भी डलती रहेगी। तो अगर आपका कोई छोटा भाई जेई की तैयारी कर रहा है या 11th में, तो उसे आप ये जो सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले सर्कल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर्कल क्या है? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। देखो सर्कल क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सेंटर, ठीक है। उस फिक्स पॉइंट से अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस आर है, ठीक है, उस फिक्स्ड डिस्टेंस, सपोज आप ये मान लो सेंटर है और ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, अब इस आर को कैसे ऐसे घुमाओ तब जो एक लोकस बनेगा उस लोकस को क्या बोलेंगे हम? सर्कल बोलेंगे। तो देखो ये सेंटर था, इसको अपन ने घुमाया तो क्या बना? एक सर्कल बना। मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना इसलिए मैंने साइड में जो है डायग्राम लगा दिया है, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो पॉइंट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्कल की रेडियस फॉर्म की, ठीक है, मतलब सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सपोज अपन ने कोई सर्कल ले लिया जिसका सेंटर अपन ने अज्यूम कर लिया एच कोमा के, और उसकी रेडियस क्या अज्यूम कर ली? आर अज्यूम कर ली, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? ये एक पॉइंट है पी और ये पॉइंट है सी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अगर पीसी की बात करें तो पीसी की डिस्टेंस क्या होगी? वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? कॉन्स्टेंट है, और ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो इसको मैं r की जगह पुट कर देता हूं प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करने से इधर तो r स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई है, और आप साइड में भी देख सकते हो ये हमारी जो है सर्कल की फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो h और k क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएंगे। मतलब इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो तो h और k क्या हो जाएंगे? हमारे सेंटर हो जाएंगे, और r हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ये सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा? h कोमा k की वैल्यू अपन किसके बराबर पुट कर देंगे? 0.0 के बराबर पुट कर देंगे। जो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें एच और के की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। तो एक्स माइनस जीरो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। वाई माइनस जीरो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। ये बस याद रख लेना, अगर आपको कहीं भी इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके जो है आरडी शर्मा या कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल होंगे, तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर -2.3 एंड रेडियस इज 4। मतलब हमें सर्कल का सेंटर तो गिवन है -2.3 और हमें रेडियस क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो हमें जनरल इक्वेशन पता है सर्कल की, क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -2, और के की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3, और आर की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज पुट करता हूं। देखो मैं एक्स माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट और आएगा यहां पे वाई -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, काफी आसान था, बस एच कोमा के की वैल्यू पुट करी और सर्कल की इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार हमारा सेंटर क्या गिवन है? ए कोमा बी गिवन है, और रेडियस हमें क्या गिवन है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस बार हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू गिवन है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला यह था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या है यहां पर? h की वैल्यू है a के बराबर, और y की k की वैल्यू क्या है? b के बराबर। इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार पुट करके देखते हैं।
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं आर स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तो ये आर की वैल्यू अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को ओपन कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बढ़ जाएगा कट जाएगा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस साइड लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए माइनस टू वाई बी बराबर जीरो। ये हमारी क्या आ जाएगी, सर्कल की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो कई बार ऑप्शंस में हमें ये इक्वेशन गिवन होगी, कई बार ये इक्वेशंस गिवन होगी, तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में भी दे रहे हो तो आपको यहां तक फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर गिवन बाय दिस एंड दिस, मतलब कोई भी सर्कल रहा होगा एक ऐसा, ठीक है, उसके दो डायमीटर्स है, ठीक है, डायग्राम में रफ बना रहा हूं, ठीक है, मेरी थोड़ी सी स्किल्स खराब है, ठीक है, ये उनका कुछ डायमीटर रहे होंगे दो, ठीक है, एंड रेडियस उसकी गिवन है हमें 10 गिवन है, ठीक है। अब हमें दो लाइंस गिवन है और बोला गया है कि ये दोनों डायमीटर्स है, हमें पता है कि डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है, मतलब इन दोनों डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो मैं लिख देता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेंटर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2x plus y is equal to 6 और 3x plus 2y is equal to 4। पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन, 6x plus 3y बराबर 6 3 18 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x plus 4y बराबर 8। अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा 0, 3y में से y गया तो 4y गया तो माइनस y बराबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें यहां से मिल गई माइनस 10 मिल जाएगी। अब y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2x माइनस प्लस माइनस 10 बराबर 6, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 10, क्योंकि राइट हैंड साइड में गया तो माइनस साइन इनकेस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो हमारा सर्कल आ गया जिसका सेंटर तो है 8, -10 और हमारी रेडियस क्या है, इसको मैं सेंटर C लिख देता हूं, रेडियस हमें क्या गिवन है 10। अब सर्कल की इक्वेशन निकली है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस 10 ऑलरेडी था का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी, सर्कल की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इस बार हमें सेंटर डायरेक्टली नहीं गिवन था, हमें क्या गिवन था, सर्कल के डायमीटर्स की इक्वेशन गिवन थी, तो हमें पता है कि डायमीटर कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। बढ़ेंगे सर्कल के डायमेट्रिक फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सपोज हमें कोई सर्कल गिवन हो और डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो ए और बी, सपोज x1, y1 ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दो एंड पॉइंट से किसी भी पॉइंट के सर्कल पे अगर वो मीट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे मीट करेंगे, मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे। तो देखो स्लोप ऑफ एपी लिखा, ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पे y-y1/x-x1, ये क्या हो गया एपी का स्लोप हो गया, ऐसे ही हमने बीपी का स्लोप लिखा। हमें पता है कि स्लोप ऑफ एपी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तो y-y1/x-x1 मल्टीप्लाई बाय y-y2/x-x2 इक्वल टू -1। तो देखो y-y1 इधर आ जाएगा, y-y2 जो डिनोमिनेटर था उसको मैं राइट हैंड साइड में भेज दूं, x-x1 और इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ आएगा ये x-x2।
ठीक है। अब ये माइनस साइड को मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ये वाली बन जाएगी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई टू। देखो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखने वाली चीज है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, यहां से आप जो है एकदम एक्यूरेटली आपको अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आपको आंसर आ जाएगा और बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर दिस एंड दिस। हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए, बोला है सेंटर और रेडियस की इक्वेशन फाइंड करो। हमने कहा ठीक है भाई फाइंड कर लेंगे, ये हमारा सर्कल है ये हमारा डायमीटर है ठीक है। एंड पॉइंट्स हमें क्या क्या गिवन है, टू कॉमा माइनस थ्री और ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस टू कॉमा फोर ठीक है। अब हमें इक्वेशन पता है कि एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो ठीक है। तो एक्स वन की वैल्यू क्या है यहां पे, इसको एक्स वन कोमा वाई वन बोल देते हैं और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है एक्स टू कोमा वाई टू। तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू टू, थोड़ा सा गलत हो गया यहां पे, हाँ एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही वाई माइनस वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस थ्री है तो ये भी प्लस हो जाएगा और वाई माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी है फोर तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस ये यहां पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा वाई स्क्वायर माइनस फोर थ्री जा वाई को पहले फोर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर वाई प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई, एक बार हम सेंटर और रेडियस वाले पोर्शन को हटा देते हैं क्योंकि मैंने आपको जनरल इक्वेशन में सेंटर और रेडियस निकालना नहीं सिखाया है। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी जाए तो आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम काफी अच्छी स्पीड से काफी जल्दी कवर करेंगे। हम आपके लिए एक एक घंटे की वीडियो नहीं बनाएंगे, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और 10 से 15 मिनट की 8 से 10 वीडियो के अंदर हम एक हर एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई छोटा भाई जेई की तैयारी कर रहा है या 11th की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू।